Good morning, students. My name is Piyush Khare from Sri Krishna University, Department of Management. I am going to deliver a lecture on principles of management, which is propounded by Henry Fiol. <coughs> this lecture is useful for BCom, BBA, as well as MBA students. Henry Fiol propounds the principles of administration which is also called principles of management let's discuss about principles of management which is propounded by henry fayol before i want to know you about something henry fayol henry fayol is was a french mining engineer author and director of mines who developed जनरल थ्योरी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हेनरी फ्योल एक बहुत ही महान इंजीनियर थे और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने अपना बहुत ही महान योगदान दिया है जो कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फॉर्म में इन्होंने डिस्क्राइब किए हैं ही बॉर्न 1841 फोर्टी वन इन इस्तांबुल एंड डाइड इन नाइनटीन ट्वेंटी फाइव ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट नाउ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एज फर्स्ट आई वॉन्ट टू नो यू दैट प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स इज अ सेट ऑफ रूल्स प्रिंसिपल जो हैं वो ऐसे सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन है जो किसी भी काम को करने में या किसी भी प्री डिटर्माइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी मदद करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल रूल्स फॉर रिकमेंडेशन दैट गाइड द बिहेवियर ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ अ मैनेजर फे ऑल फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट बी क्रिएटेड इट इनकॉर्पोरेटेड प्रूवन प्रिंसिपल्स एलिमेंट्स प्रोसीजर एंड टेक्निक्स बेस्ड ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस और जो फोर्टीन प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए हैं वो किसी किताब से पढ़कर या कहीं से भी उदरत नहीं किए हैं जबकि उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से से उन थ्योरीज को या उन प्रिंसिपल्स को या उन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को बनाया है ये फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे सब पहला प्रिंसिपल है हमारा डिवीजन ऑफ़ लेबर डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है किसी भी काम को हमें अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है उनकी इफ़िशंसी के हिसाब से उनके काम के या कैलिवर के हिसाब से दिस इज डन बाय द मैनेजर और सुपीरियर्स सेकेंड प्रिंसिपल इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम किसी भी काम की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक व्यक्ति को असाइन कर देते हैं या दे देते हैं कि ये काम आपको इस इस समय में कंप्लीट करना है तो वो उसकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है डिसिप्लिन डिसिप्लिन जो होता है डिसिप्लिन एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है या ऐसी एक चीज़ है जो हमें किसी भी काम को आसानी से करने में मदद करती है हम छोटी छोटी चीज़ों में भी डिसिप्लिन का उपयोग करते हैं डिसिप्लिन हमारी लाइफ में भी बहुत ज़रूरी होता है जो कि हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने में मदद करता है यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ कमांड एक ऐसा प्रिंसिपल है या एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हमें केवल एक बॉस के ऑर्डर को फॉलो करना होता है यदि मल्टीपल बॉसेज हमें वन टाइम में कई सारे ऑर्डर्स देंगे तो हम उन सभी को फुलफिल नहीं कर पाएंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके कारण हम किसी भी व्यक्ति से इंस्ट्रक्शंस को पाते हैं और अपने काम को अच्छे से सही ढंग से परफॉर्म कर पाते हैं सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट सबॉर्डिनेशन सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और इसमें हम ये देखते हैं कि हमें अपने इंटरेस्ट को ना देख करके किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देखना चाहिए हमें ये देखना चाहिए कि जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सके ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स अचीव हों और उसके साथ साथ हमारा भी भला हो सके रेमोनरेशन रेमोनरेशन एक ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो हेनरी फ्यूल के द्वारा बनाया गया है इसमें हम सही कार्य के लिए सही मजदूरी यानी जो भी काम हम जितने व्यक्तियों से जितने समय के लिए लेते हैं उस समय में हमें उनसे उतना उनको सैलरी या उनका रेमोनेशन या उनका मेहनताना देना चाहिए सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन इन एनी कंपनी द मैनेजमेंट और एनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुड बी न्यूट्रल हाउ एवर दिस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेनरी फ्यूअल स्ट्रेस्ड ऑन द पॉइंट दैट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन हर की एंड डिवीजन ऑफ पावर यानी हमें किसी भी काम की सत्ता को एक हाथ में केंद्रित न करके अलग अलग लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके काम को आसानी से करना चाहिए स्केलर चेन स्केलर चेन जो होती है वो एक ऐसा फॉर्मेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड किया जाता है जिससे हम जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का फॉर्म होता है वो अपर अप टू डाउन होता है यानी जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो नीचे की ओर इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं लेकिन कभी ऑर्गेनाइजेशन में आवश्यकता पड़ने पर हमें किसी भी फॉर्म में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को शेयर करना होता है तो हम स्केलर चेन का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम गैंग प्लैंक कहते हैं ऑर्डर ऑर्डर एक आदेश होता है जो एक ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं आदेश को देते भी हैं और लेते भी हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है वो इजीली परफॉर्म हो सके और कंडीशंस जो है वो फेवरेबल रह सकें इक्विटी इक्विटी का मतलब है सभी को समान अधिकार सभी को समान मौका देना सभी को इक्वली ट्रीट करना जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सभी व्यक्तियों को इक्वली ट्रीट करते हैं या इक्वली उनको काम करने का अपनी बात को रखने का अपने आइडियाज़ अपने व्यूज़ को शेयर करने का मौका देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे से परफॉर्म हो सकता है स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी एंड एम्प्लॉय डिलीवर्स दैट द बेस्ट इफ़ दे फील्स सिक्योर इन देयर जॉब यदि हम बार बार जॉब को स्विच करते हैं या कंपनी हमें बार बार एक काम से दूसरे काम में या दूसरे काम से तीसरे काम में इस तरीके से स्विच कराती रहती है तो हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं यदि हम एक काम को निश्चित समय तक परफॉर्म करते हैं तो हम वहाँ स्टेबल रह करके अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यदि हम किसी व्यक्ति को प्रोडक्शन से उठा करके मार्केटिंग में रख दें मार्केटिंग से उठा करके फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में रख दें तो इस तरीके से वो अपने कैलिवर को ठीक ढंग से नहीं दिखा पाएगा यदि वो प्रोडक्शन में अच्छा है या मार्केटिंग में अच्छा है या फाइनेंस में अच्छा है तो हम उस डिपार्टमेंट में रख के उसको अच्छे से इस्तेमाल या अच्छे से उसकी सर्विसेज को ले सकते हैं इनिशिएटिव इनिशिएटिव का मतलब ये होता है कि किसी भी कार्य में पहल करना जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रह करके उसके टारगेट्स को अचीव करने में या उसके प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव करने में मदद करते हैं तो हम जब उस काम में इनिशिएटिव लेते हैं हम पहल करते हैं कि हम अपने कैलिबर से ये कर सकते हैं हम अपने कैलिवर से कंपनी का ये फ़ायदा करा सकते हैं तो उससे व्यक्ति का और संस्था का दोनों का फायदा होता है दिस इज फोर्टीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कॉर्प। डिकॉर्प स्पिरिट कॉर्प का मतलब ये होता है कि हमें किसी भी काम को एक अकेले ना करके कई सारे लोगों के साथ मिलकर करना होता है कई सारे लोगों के साथ मिलकर एक टीम भावना की तरह जब हम किसी भी काम को करते हैं तो वो आसानी से जल्दी कम समय में और इफेक्टिव फॉर्म में कंप्लीट हो जाता है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज एंड सपोर्टिव ऑफ ईच अदर रेगुलरली ताकि और इसके साथ साथ कंपनी जो होती है वो लोगों को मोटिवेट करती है ताकि क्या कर सकें हम अपने प्री डिटरमाइंड टारगेट को अचीव कर सकें और आगे बढ़ सकें दिस इज कंक्लूजन पार्ट ऑफ माई प्रेजेंटेशन दिस इज़ फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विथ जो अभी हमने डिस्कस किए वो फोर्टीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे किसके हैन फ्यूल के द्वारा बनाए हुए या प्रपाउंडेड बाय हैन फ्यूल जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटर्माइट गोल को अचीव करने में हमारी मदद करते हैं दैट्स ऑल्व फॉर मी थैंक यू सो मच